पौने पांच प्रमुख गणपति बप्पा में से दूसरे स्थान पर है ताम्री जोगेश्वरी गणपति बप्पा। आज सुबह सरलता पूर्वक बप्पा की स्थापना की गई। ताम्री जोगेश्वरी मंदिर काफी साल पुराना और ऐतिहासिक है। मान्यता है कि बप्पा से की गई मनोकामना जल्द पूर्ण होती है, इसलिए भक्त बड़ी संख्या में इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इस साल भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं है। ताम्री जोगेश्वरी मंदिर में बप्पा की स्थापना मुख्य अतिथि गाँव के बीच सम्पन्न हुई। आज सुबह से विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया था। अगले 10 दिन बप्पा की पूजा अर्चना और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही भक्तों को ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी दी गई है। हर साल इस मूर्ति का विसर्जन कर अगले साल नई मूर्ति की स्थापना की जाती है। इस मूर्ति की विशेषता ये है कि ये मूर्ति 33 इंच की ही होती है। न कभी मूर्ति छोटी होती है और न ही बड़ी होती है। ये जो हमारा श्री ताम्री श्री सार्वजनिक मंडल जो है वो पुणे का मान का दूसरा गणपति है, सेकंड। और इसकी वैशिष्ट ऐसे है कि हम हर साल विसर्जन मिरवणूक में पालखी में लेके जाते हैं, लेकिन अभी 2 साल में नहीं लेके जा रहे और एकदम सिंपली सादे पद्धति में हम पारंपरिक पद्धति में गणेश उत्सव साझा कर रहे हैं। 128 साल की परंपरा है और ये मूर्ति का ऐसा वैशिष्ट है कि 33 इंच की मूर्ति रहती है। इसके ज़्यादा भी नहीं होती और कम भी नहीं होती। यह हमारा बहुत बड़ा वैशिष्ट है मूर्ति का। लोगों से घर पे रहो, ऑनलाइन जो सुविधा की है मंडल ने उसके ऊपर दर्शन ले लो, भीड़ मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहो और कोरोना के लिए सुरक्षित रहो। जोर में भगवान हमारा गणेश उत्सव जो है 2 साल में ऐसा हो रहा है, अगले साल जोर में और जो इससे 2 साल पहले जो हो रहा था वैसा होना चाहिए, बस ये हमारी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्विस न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।